गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स में साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में हमने एवेपोरेशन जाना था, यानी कि कैसे जल जो है जलवाष्प में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को जो है एवेपोरेशन कहा जाता है। एवेपोरेशन को हम जान सकते हैं जैसे कि हम धूप में अपने कपड़े सुखाते हैं तो वाटर जो कपड़ों में उपस्थित होती है वो सनलाइट पड़ने पर उसमें से वाटर वेपर के थ्रू वाष्प जो है वो एवेपोरेट हो जाती है, यानी कि वाष्पित हो जाती है और कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण था, जैसे गड्ढे में पानी भरा हुआ हो तो उसमें सनलाइट पड़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उस सनलाइट के पड़ने से वह जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होते जाता है और कुछ दिन में वो गड्ढा सूख जाता है। इस तरह से हम एवेपोरेशन के उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद एक हम अगला जो है सेपरेशन ऑफ मेथड देखेंगे जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी कि संघनन कहा जाता है इसको। कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी मिक्सचर के सब्सटेंस को किसी एक विधि से अलग कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी मिक्सचर में से सब्सटेंस को अलग करने के लिए हमें एक से अधिक विधियों का यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें हम वही जानेंगे, जैसे कि हम कोई एक्टिविटी 7 दी गई है इसके थ्रू जानेंगे। इसमें क्या है, हमने साल्ट और सैंड का जो है मिक्सचर लेना है और अब हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं करके, क्योंकि हैंड पिकिंग के थ्रू हम उन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सैंड और साल्ट दोनों मिक्स हो गई हैं, तो हाथ से उनको चुनकर हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कोई दूसरा तरीका जो है मेथड का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमने इस मिक्सचर में यानी कि सैंड और साल्ट के मिक्सचर में रेत और नमक के मिश्रण में कुछ पानी मिक्स करना पड़ेगा, मतलब उसको उस मिक्सचर को बीकर में डालकर और उसमें कुछ पानी मिक्स करना पड़ेगा और कुछ देर के लिए जो है बीकर को छोड़ देना पड़ेगा। जो सैंड होगी आप देखेंगे वो जो है बीकर के तले में इकट्ठा हो जाएगी, और उसके बाद आप डिकंटेशन के थ्रू जो है यानी कि जैसे मैंने डिकंटेशन बताया था आपको, निस्तारण जो हमारी प्रक्रिया होती है सेपरेशन का जो मेथड होता है, और फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है उसमें से जो है रेत को उसमें से जो है जो पानी होगा हमारा जो ऊपर आया रहेगा रेत से उसको हम अलग कर लेंगे। अब जो हमारा पानी जो हमने डिकंटेटेड किया है, जो लिक्विड डिकंटेटेड किया है उसमें क्या मिला होगा, तो इसमें जो है नमक मिला हुआ होता है, जो नमक क्योंकि उसके साथ घुल जाता है, जो हमने डिकंटेट करके फिल्ट्रेट करके जो लिक्विड प्राप्त किया वो उसमें क्या होगा, जो है नमक से घुला हुआ मिश्रण होगा। अब उसमें सिर्फ नमक और पानी बचा है। ठीक है, अब हम जो हैं उस साल्ट और वाटर के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक केतली लेनी है और उसका केतली में उस मिश्रण को डालना है और उसका ढक्कन बंद कर देना है और केतली को गर्म करना है, और आप देखेंगे कि जो कुछ देर बाद जब वो गर्म होने लगेगा पानी तो भाप जो है उसके केतली के मुंह से इस तरह से निकलने लगती है। तो और फिर क्या करना है, हमने एक मेटल की प्लेट लेनी है और उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े इस तरह से रखने हैं। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो जब आपने अब आप देखेंगे कि जो स्टीम जो है वो केतली के मुंह से इस प्लेट में टकराती है। ठीक है, तो जो ये वाष्प है, जल वाष्प है, ये प्लेट से टकरा करके वापस जो है एक अलग से बीकर में जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा होने लगती है। यहाँ पे जब ये टकराएगी तो यहाँ पे कंडेंस होती है, कंडेंस यानी कि संघनित होती है। ठीक है, संघनित होकर वापस जो है लिक्विड वाटर में यानी कि द्रव जलीय रूप में इकट्ठा होने लगती है, और जो ये स्टीम है जब इस प्लेट में टकरा करके प्लेट में टकरा करके जल की बूंदों के रूप में जाती है तो ये ये जो है इसका कारण भाप का कंडेंस होना है, यानी कि भाप का वाटर वेपर का कंडेंस होना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड, जब जो है भाप या जलवाष्प जो है वो द्रव में परिवर्तित होने लगती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है।
ठीक है। तो इसके बाद जब यह प्रक्रिया हमने जान ली, ठीक है, कंडेंसेशन किसे कहते हैं करके, तो आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवेपोरेटेड, जब जो है पूरा पानी जो है एवेपोरेटेड हो जाता है इस केटल से, तो इस केटल के अंदर क्या बचेगा, तो वी हैव थस सेपरेटेड साल्ट एंड सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ, तो इस तरह से जो हमने नमक रेत और पानी को जो है डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के इन जो है सेपरेशन की मेथड के कारण अलग अलग कर लिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारा इस केटल के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, नमक के छोटे छोटे कण बचेंगे, क्योंकि पानी तो जो है वो वाष्पित हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने ये कंडेंसेशन को जाना, इसमें संघनन को जाना, क्या संघनन होता है करके, ठीक है, बादलों का जो निर्माण होता है वो भी संघनन की प्रक्रिया के कारण ही होता है, ठीक है। इसके हम उदाहरण और फिर दोबारा अगली वीडियो में जान लें, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा जो ये टॉपिक है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, इसको जो है करेंगे या इसको पढ़ेंगे।